द रिकॉर्डिंग. ओके, मैं आपके पहले डाउट्स ले रहा हूँ. हाँ राज, बोलो. हेलो सर। सर बोलो. सर जब हम स्प्रिंग को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्यों चेंज हो जाता है? आपको मैंने नहीं पढ़ाया था, राइट? लॉज ऑफ मोशन. यस सर। ओके, तो मैंने मेरे नोट्स में पहले ही बता दिया था बच्चों को कि के इंटू एल इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है. दैट इज द फंडामेंटल. वेयर के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ओके सर। है एंड ना, एल एंड इज एल स्प्रिंग इज कांस्टेंट। नेचुरल लेंथ. तो अगर लेंथ को आपने चेंज किया तो उसको, और इस रिलेशन को मैं डिराइव करूंगा इलास्टिसिटी चैप्टर में. मैंने छोटा सा डेरिवेशन था बताया था बच्चों को, बट ठीक है. सर तो क्या आप एनएलएम के नोट शेयर कर सकते हैं ग्रुप पे? ग्रुप पे करा होगा मैंने शेयर 7 जून ना. मैं कर देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ, ठीक है. ओके सर, थैंक यू। हाँ भाई ध्रुव बोलो. और प्लीज मैसेज आप होस्ट पे करना है, को होस्ट पे नहीं करना है. यस सर। सर मैं मैसेज नहीं करूँगा। हाँ नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, किसी बच्चे ने किया है. हाँ ध्रुव बोलो, सर मेरे को 87 पेज से डाउट है। क्या डाउट है? सर मेरे को ये पी इनिशियल ऑफ ग्रेविटी उसके बाद से समझा नहीं। क्या नहीं समझो? पी इनिशियल स्प्रिंग आया यहाँ पे, हाँ ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. सर वो समझा, पर ये अपने जो ब्रैकेट में लिखा ना कर्ली ब्रैकेट से, वो कैसे लिखा नहीं समझा। वो कौन सा कर्ली ब्रैकेट? कर्ली ब्रैकेट दिख ही नहीं रहा. सेकेंड सेकेंड पॉइंट वाला। सुनो ना, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हाँ ये पी फाइनल स्प्रिंग माइनस पी इनिशियल स्प्रिंग हो गया, हाँ है ना. अब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, डेल्टा पी स्प्रिंग कितना होता है? हाफ हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर. अभी आगे पढ़ाया हाँ था तो ये चीज समझ में आ गई, इसकी वैल्यू लिख दी. अच्छा। हाँ ओके, यस सर। और पी फाइनल ग्रेविटी लिखेंगे, समझा? हाँ सर समझ गया। हाँ हो जाएगा आगे. हाँ ओके, किसी बच्चे को डाउट? हाँ दुबे जी बोलो. सर एक क्वेश्चन, में आपने क्या यूज किया वो आप वापस बता सकते हैं? फर्स्ट पेज पे जो आपने लिखा है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज किया है. ओके सर। चलो एक क्वेश्चन दे रखा है, फटाफट इसको सॉल्व करो, उसके बाद वर्टिकल सर्कल पढ़ेंगे. आज शाम का रेगुलर लेक्चर है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को, उसमें मैं आपको वर्क पार एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा. भले अभी मैं सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूँ, बट इवनिंग का लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा सॉल्व वर्क पार एनर्जी. बोलो शुभम. सर आप अगर शाम को आज हम लोग को वर्क पावर एनर्जी सॉल्व कराओगे तो आज वो असाइनमेंट नहीं चेक करोगे उसमें से कुछ थर्ड असाइनमेंट में से अगर मुझे कुछ कराना होगा तो वो करा दूंगा. वैसा असाइनमेंट कर लो भाई, टेस्ट वेस्ट में नंबर नहीं आएंगे तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है. उसके डाउट्स लूंगा मैं व्हाट्सएप पे डाउट्स ले लूंगा उसके, डोंट वरी. वन और टू तो करके रखो एटलीस्ट.
1 मीटर दैट इज करेक्ट, 5 r/2 इज करेक्ट। लास्ट 1 मिनट, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? आंसर इज 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, 5 r/2। आकर्षित? यस सर। ये फिगर दे रखा है हमें, है ना? यस सर। हमें क्या दे रखा है? अ बॉडी स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन व्हिच एंड्स इनटू अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ इंक्लाइन फॉर द बॉडी नॉट टू फॉल एट द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द लूप? अज्यूम फ्रिक्शन टू बी एब्सेंट। फ्रिक्शन एब्सेंट है तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, अगर ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी लेता हूं और ये पॉइंट सी लेता हूं, राइट? Yes, so what I can write total energy at A is equals to total energy at B is equals to total energy at C, right? Yes, I can sir. Take this as a reference line, potential and gravitational potential energy likhne ke liye, right? Yes sir. So, kinetic A, potential A, kinetic B, potential B, yes sir, kinetic C, potential C, hmm. 0 plus mgh, yes sir, half m va square plus 0, yes sir, half m vc square plus mg into 2r, yes sir, correct? So this implies mgh equals to what? Half m vc square plus 2 mgr. Let this be my question number 1, correct? Yes sir. Kyun mujhe c pe chahiye na, ab c par agar main fbd banaunga, fbd at c, तो नीचे लगेगा mg, नीचे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और नीचे लगेगा a सेंट्रिपिटल, यस सर, राइट? सो व्हाट आई कैन राइट आल्सो फ्रॉम fbd, mg प्लस n इज इक्वल्स टू m into a centripetal, yes sir. This implies mg plus n m vc square by r, right? Yes, sir. And for just in contact, doesn't leave the circle, matlab just in contact hoga, yes sir. This implies n is equals to what? 0. That is mg is equals to mvc square by r, implying vc square is equals to what? gr. This becomes equation number 2. So from 1 and 2, what I can write?
MGH is equals to what? Half M GR plus 2 MGR. ये मैंने VC square की value डाल दी है. Yes sir. H आ गया आपका 5 R by 2. Right? Yes sir. Sir, वो just in contact है तो फिर N की value 0 क्यों? ये तो बचपन से पढ़ा रहा हूँ आपको, just in contact में N 0 ही लेते हैं हम. Right? Just contact में ना. Okay sir. कोई doubt किसी को? हाँ हरी रजन बोलो बच्चे. हाँ सर, वो mg plus n is equal to mv square by r, वो centripetal force वाला formula है क्या? Formula नहीं होता, centripetal force नहीं होता. पहले net force towards center is equals to mass into acceleration. हाँ सर. Right, जो circular motion में पढ़ा था, क्योंकि circular motion करता है ना. हाँ सर. Okay. Lower your hand. ध्रुव बोलो. सर पीछे जाएंगे एक पेज. सर उधर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए जीरो क्यों है? भगवान ने बोला. दुष्ट आदमी, पर नोट्स पढ़ा करो. यहाँ पे लीव किया है ना पार्टिकल को. हाँ 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 बराबर. कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार सुबह सुबह. सॉरी सर. कृष्णा कुछ बोलना है बच्चे? सर वो टोटल एनर्जी ए बी और सी पे कैसे मतलब इक्वल है समझ नहीं आ रहा. फ्रिक्शन नहीं है. हाँ सर. तो मैंने क्या कहा, फ्रिक्शन नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा. हाँ सर. तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ. हाँ सर. लोअर योर हैंड. दुबे जी बोलो. सर वाइड आउट था. ओके ओके चलो तो नया टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों. वर्टिकल सर्कल. वर्टिकल सर्कुलर मोशन. पहला पॉइंट, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज स्पीड चेंजेस Wait. Because speed changes because of acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity की वजह से ये क्या होगा, आपका स्पीड चेंज होगा. स्पीड कैसे चेंज होगा ये देख लो. यहां पे एक पार्टिकल है एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये घूम रहा है वर्टिकल सर्कल पे.
वर्टिकल सर्कल पे घूम रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ये होगी, स्पीड इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे 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 स्पीड इस डायरेक्शन में होगी। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ स्पीड होगा। और हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो जी है हमारा, वो हमेशा क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो दिस जी विल चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। ये जी क्या करता है, स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, हेंस इट बी अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां तक किसी को कोई डाउट? कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों होता है? ओके, यहां तक क्लियर है, तो नेक्स्ट देखते हैं। बोलो भाई हरी राज, नहीं कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अटैच्ड विथ अ स्ट्रिंग इन अ वर्टिकल सर्कल। मोशन ऑफ अ पार्टिकल अटैच विद अ स्ट्रिंग इन अ वर्टिकल सर्कल। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल को मैंने अटैच किया स्ट्रिंग के साथ, ओके, उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहा एक मिनट बच्चों। फाइन, ये हमारा ओ है, ये फिक्स पॉइंट है, यहां पे स्ट्रिंग है, और पार्टिकल घूम रहा है इस तरीके से, ये पॉइंट वी ए है, ओके, ये पॉइंट ए है जहां पे स्पीड आपको वी ए दे रखी है। हम कुछ और पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, ये पॉइंट बी है, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा M, ये हाईएस्ट पॉइंट है, सी, ओके, फाइन, ये स्पीड के डायरेक्शन है, यहां पे वी ए,
वेलोसिटी का डायरेक्शन रहा था, स्पीड का डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही बात है, ये वी बी और ये वी सी। ओके ये होगा वेलोसिटी के डायरेक्शंस अलग अलग पॉइंट पे हमें दे रखा है। अब हमें इसका मोशन समझना है, ठीक है। इसका मोशन समझना है तो मोशन समझना है तो अलग अलग पॉइंट पे क्या स्पीड होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इक्वेशंस कैसे होनी चाहिए, वो सारी चीजें देखनी है। तो मैं ए पॉइंट पे अगर देखूंगा तो ए पॉइंट पे अगर एफबीडी बनाऊंगा इसी में तो एम जी कहां लगेगा बच्चों? नीचे 160। अच्छा ठीक है ना। यहां पे ऊपर क्या लगेगा? टी ए टेंशन लगेगा। और कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं। और ऊपर की तरफ आएगा ए सेंट्रिपिटल ए। ओके अंदर की तरफ क्या आएगा? टीबी। ओके यहां पे नीचे क्या आएगा? एमजी। और यहां पे अंदर की तरफ क्या आएगा? ए सेंट्रिपिटल बी। ओके और नीचे की तरफ देखूंगा ऊपर से तो यहां टी सी, यहां पे एम जी। ओके और अंदर की तरफ आएगा ए सेंट्रिपिटल सी। किसी बच्चे को इस एफबीडी में कोई डाउट हो यहां तक क्लियर है तो अब मैं इसकी इक्वेशंस लिख रहा हूं। पॉइंट ए की लिख रहा हूं, पॉइंट बी की लिख रहा हूं, पॉइंट सी की लिख रहा हूं। एट पॉइंट ए टी ए माइनस एम जी दैट इज द नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? एम इंटू ए सेंट्रिपिटल ए दैट इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर। दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। एट पॉइंट बी व्हाट आई कैन राइट? सेंटर पे टीबी लग रहा है दैट इज द ओनली फोर्स दैट इज इक्वल टू एम ए सेंट्रिपिटल बी दैट इज एम वी बी स्क्वायर बाय आर। आप कहोगे सर एम जी तो इकलौता फोर्स है बी पे, उसका क्या? तो वो इकलौता फोर्स क्या करेगा? एम जी वी बी की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, वो तो दिख ही रहा है। ओके आप रैंडम मैसेज लिखोगे मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, बहुत ही गलत बात है ये आयुष और यश दुबे, इतने महीने पढ़ाने के बाद आप बस मैसेजेस लिख रहे हो। रेज हैंड करो। इतने रैंडम डाउट्स पूछते हुए शर्म नहीं आती है? ऐसे मैसेज लिख के आप है ना, मतलब शर्म आ रही है आपको मैसेज लिख रहे हो चुपचाप? बोलो यश दुबे क्या है, मुझे नहीं समझ में आया। सर एयर ए टेंजेंशियल नहीं होगा? सर ए टेंजेंशियल नहीं लगेगा। कहां पर? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिल्कुल लगेगा, ए टेंजेंशियल लगेगा। क्या दिक्कत है? तो आपने दिखाया नहीं। हाँ तो मेरे को जरूरत ही नहीं है ना दिखाने की, अगर दिखाना होगा तो मैं दिखाऊंगा। ए टेंजेंशियल लगेगा तभी तो मैं कह रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म है विच इज ओके। ओके सर। ओके हाँ सर। हाँ हरी राजन बोलो बच्चे। सर जब जो पार्टिकल एम है वो सी से ए जाएगा तब जी के वजह से उसका स्पीड इंक्रीज होगा ना, तो सर सेम अमाउंट डिक्रीज भी होगा ना ए से सी तक। वही तो पढ़ा रहा हूं ए से सी तक डिक्रीज होगा और सी से इंक्रीज होगा क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। हां सर तो कांस्टेंट नहीं रहेगा क्या पूरा थ्रू आउट द पाथ?
क्या मतलब स्पीड ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया ना ए से बैलेंस? सी तक। अरे यहाँ पे स्पीड आप कह रहे हो इंक्रीज हो रहा है और यहाँ आप कह रहे हो डिक्रीज हो रहा है, तो सेम कहाँ रह गया स्पीड? हाँ सर मुझे लगा मतलब जितना डिक्रीज हो रहा है उतना इंक्रीज हो वो रहा है तो तो ठीक बैलेंस है आउट बट हो गया मतलब। कांस्टेंट थोड़ी कहूंगा उस चीज को मैं। अच्छा हाँ सर वैरी कर रहा है। हाँ सर ऑल्सो एम जी इज इक्वल टू ए एम इंटू ए टेंजेंशियल बी राइट, दिस विल रिड्यूस स्पीड। ये बस मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि आप लोगों को चाहिए था, ठीक है। अब मैं अगर सी पॉइंट पे देखूंगा थर्ड, एट पॉइंट सी टी सी प्लस एम जी इज इक्वल टू वॉट? एम इंटू ए सेंट्रिपिटल सी एम वी सी स्क्वायर बाय आर। यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चों? तीनों जगह इक्वेशन लिख दी है करेक्ट। ओके पॉइंट नंबर फोर, इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी। ओके तो अब कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी के लिए मुझे एक रेफरेंस लाइन भी बनानी पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूं, लेट मी टेक दिस एज रेफरेंस लाइन। ओके तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। टोटल एनर्जी एट ए होगा काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए, काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी, काइनेटिक एट सी प्लस पोटेंशियल एट सी। काइनेटिक एट ए होगा हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस जीरो, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू आर, क्योंकि कितनी हाइट से रेज हुआ, ए टू बी आर हाइट से रेज हुआ। बोलो निशिम, लोअर हैंड कर दिया। बोलो ध्रुव। सर आर हाइट से कैसे रेज हुआ? आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। हाँ पर अच्छा हाँ हाँ सॉरी सर है ना। ठीक है और यहां लिखूंगा हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू टू आर। सो दिस इंप्लाइज हमारी इक्वेशन हो जाएगी हाफ एम वी ए स्क्वायर हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी आर प्लस हाफ एम सॉरी प्लस नहीं
इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस टू एम जी आर. ओके, ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर फोर. अब हम इन चार इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. हाँ निशिम, बोलो बच्चे. सर, सर कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स को तब यूज कर सकते हैं ना सर. तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है यहाँ पे बताओ. नॉन कंजर्वेटिव नहीं है सर, टेंशन तो है ना सर. टेंशन का वर्क डन बताओ कितना होगा. अच्छा हाँ सर, जीरो. समझ गया सर. क्योंकि इट इज परपेंडिकुलर टू पाथ. यस सर. समझ गया. थैंक यू सर. अबव फोर इक्वेशंस वी कैन सॉल्व आर क्वेश्चंस. ऊपर की चार इक्वेशंस को लगा के हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अब इसके स्पेशल केसेस पढ़ेंगे अपन. ठीक है, तो स्पेशल केस है केस वन. केस वन में हमने हमसे पूछा गया है एबीसी पॉइंट पे कितना मिनिमम टेंशन होगा और क्या मिनिमम स्पीड होनी चाहिए कि पूरा कंप्लीट सर्कल हो जाए. ओके, केस वन में फाइंड मिनिमम स्पीड एट पॉइंट स्पीड एंड मिनिमम टेंशन एट पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर कंप्लीट सर्क्युलर मोशन. हम मिनिमम चाहते हैं. ठीक है, तो इसमें देखते जाना बच्चों. तो सी पॉइंट का अगर एफपीडी देखूंगा तो टीसी नीचे लग रहा है, एमजी भी नीचे लग रहा है और ए सेंट्रिपिटल नीचे लग रहा है. ओके, यहाँ पे ए सी सेंट्रिपिटल सी लिखना है ना, तो मुझे दिख रहा है टीसी नीचे, एमजी नीचे और ए सेंट्रिपिटल सी भी नीचे. तो वहीं से स्टार्ट करेंगे. तो इसके लिए एट पॉइंट सी टी सी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी सी या एम इंटू ए सेंट्रिपिटल सी. नाउ इफ टी सी इज इक्वल टू जीरो देन ऑल्सो वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन विल अकर एज एम जी एट सी कैन प्रोवाइड necessary centripetal acceleration. हम क्या कर सकते हैं सी पॉइंट पर टेंशन जीरो कर सकते हैं, क्योंकि अगर टेंशन जीरो हो भी गया तो भी mg है आपके पास necessary centripetal acceleration provide करने के लिए, क्योंकि mg is acting in downward direction, right? So यहां से हमारा आता है this implies TC minimum is equal to zero. Hence
एम जी इज इक्वल टू वॉट एम वी सी स्क्वायर बाय आर. लेट दिस बी माई इक्वेशन नंबर 5. ओके यहां तक कोई डाउट बच्चों किसी को? बोलो आकर्षित. सर हर जगह टेंशन बदलेगा, तभी तो एबीसी लिखा है. सर पर ऐसा क्यों? सर टेंशन सर स्ट्रिंग तो एक ही है, तो फिर टेंशन भी सेम. सेम कैसे कर देंगे आप ये बताओ. सर स्ट्रिंग तो एक ही है, तो फिर टेंशन भी सेम हो जाएगा ना. स्ट्रिंग एक है, रेस्ट पर एक है स्ट्रिंग, ये घूम रही है. अगर सेम टेंशन होगा तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे टी ए माइनस एम जी दिख रहा है ए पर, बी पे लिख रहा है टी बी इक्वल टू एम इनटू ए सेंट्रिपिटल बी एंड अकॉर्डिंगली. हाँ यस सर. क्या समझा? यस सर समझा. राइट यस सर. ओके तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? mg की वैल्यू क्या आ गई? mvc स्क्वायर बाय r, और इसको इक्वेशन 6 में लिखते हैं, और mvc स्क्वायर इज इक्वल टू mg r. This becomes my equation number 5. Okay. So, from ये VC min होगा. क्यों? क्योंकि आपने tension को minimize कर दिया, तो VC automatically minimum होगा. Because T min TC min equal to 0 is used. अगर मैं minimum tension use करूंगा तो मुझे वो भी minimum ही मिलेगा. समझ में आ रही बात? बोलो ध्रुव. सर नहीं समझा, ऐसा क्यों कि VC min क्यों लिया? यार यहाँ पे आप देखो ना, थोड़ा सा तो analysis apply करो. ये है LHS, ये है right? LHS को मिनिमाइज करूंगा तो RHS मिनिमाइज हो जाएगा. हाँ. तो अगर TC मिनिमम यूज करूंगा तो ये VC मिन हो जाएगा. सर ऐसे कैसे? भाई JE की तैयारी कर रहे हो यार, क्या मजे ले रहे हो बैठ के. इसको मिनिमम किया तो ये मिनिमम नहीं होगा. LHS RHS के इक्वल है. LHS को मिनिमाइज कर दिया तो RHS मैक्सिमाइज हो जाएगा. नहीं, क्या होगा? मिनिमाइज. समझ में आई बात? हाँ सर. राइट. तो ध्रुव इधर टीसी मिनिमम यूज किया तो वीसी मिनिमम हो जाएगा. वीसी मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम वीसी मिनिमम स्क्वायर की एम जी आर हो जाएगी. राइट. यस. यूजिंग इक्वेशन 4, हाफ एम वी ए स्क्वायर हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी आर प्लस सॉरी प्लस नहीं हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस टू एम जी आर, ये आ जाएगा बच्चों. अब इंपॉर्टेंट चीज, इफ वी सी मिन इज यूज्ड इन above equation, then we will get VA min and VB min. इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछ लो. कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा बच्चों क्या फंडा है. अगर इसको मिनिमाइज करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये भी मिनिमाइज हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली ये भी मिनिमाइज हो जाएगा. एक आरएचएस को मैंने अगर मिनिमाइज किया तो एलएचएस दोनों मिनिमाइज हो जाएंगे. हाँ ध्रुव बच्चे बोलो.
सर एग्जांपल दे सकते हो कुछ की मिनिमाइज? भाई एग्जांपल क्या देना है, आपको इसमें कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास यार, आपको ये समझना पड़ेगा ये क्वांटिटी है, ये इसके इक्वल है। हाँ एक सेकंड, कैसे? हाँ सर हाँ, इक्वल टू साइन है ना इक्वेशन में, प्रूफ क्या कंजर्वेशन एनर्जी यूज करके। इसमें ये चीज तो कांस्टेंट है, रेडियस फिक्स है। हाँ एक पर्टिकुलर सर्कल का, अब रेडियस फिक्स है और इसको अगर मैं मिनिमाइज कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मिनिमाइज नहीं हो जाएगा? अच्छा हाँ सर, दोनों इक्वल है ना। हाँ दिस सर्कल इज इक्वल टू दिस सर्कल, अब राइट वाले सर्कल को मिनिमाइज करूंगा तो लेफ्ट वाला सर्कल ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगा सर? तो 2mgr मिनिमाइज नहीं होगा? 2mgr कैसे मिनिमाइज होगा फॉर अ पर्टिकुलर सर्कल? सर्कल का तो रेडियस कांस्टेंट रहेगा ना। अच्छा हाँ, सर्कल थोड़ी चेंज कर दोगे आप? फिर कल को कहोगे सर मैंने तो मोशन ही चेंज कर दिया, तो मैं कहूंगा मैं सर्कुलर थोड़ी पढ़ाऊंगा फिर आपको, कुछ और पढ़ाऊंगा राइट? हाँ सर समझ गए सर। तो वैसे ही इधर भी सर, पीछे वाले पेज पे जाइए, तो इधर भी mg कांस्टेंट है तो tc मिनिमाइज करके mc भी मिनिमाइज, ऐसा ही है ना? हाँ ओके सर, आपके लिए ब्रैकेट में लिख देता हूँ, फॉर अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन सर चलेगा? नहीं नहीं ऑफ फिक्स्ड रेडियस, ओके। तो ये होगा, तो व्हाट आई कैन राइट, दिस इंप्लाइज हाफ एम वी सी मिनिमम स्क्वायर प्लस 2mgr इज इक्वल टू हाफ एम वी ए मिन का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी बी मिन का स्क्वायर प्लस mgr, ये आएगा राइट? नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? हाफ एम mgr फ्रॉम इक्वेशन 5 प्लस 2mgr हाफ एम वी एम इन का स्क्वायर हाफ एम वी बी मिन का स्क्वायर प्लस mgr, तो दिस इंप्लाइज व्हाट आई कैन राइट, हाफ एम वी ए मिन का स्क्वायर इज 5mgr बाय 2, 5mgr बाय 2 आएगा, 5mgr बाय 2 कैसे आएगा, mgr बाय 2 प्लस 2mgr इज 5mgr बाय 2, ओके। तो यहां से वी ए मिन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट 5gr, करेक्ट? इसको मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, वी एम इन इज इक्वल टू रूट ऑफ 5gr, कोई डाउट यहां तक? ओके हाफ एम वी बी मिन का स्क्वायर प्लस एम जी आर इज इक्वल टू व्हाट, 5mgr by 2, तो half m
वीबी मिन का स्क्वायर कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा उधर जाके तो आ जाएगा 3mgr/2। तो यहां से हमारा वीबी मिन आ गया √3gr। ओके इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा यार। यहीं पे लिख देता हूं वीसी मेन हमारा आ चुका है √gr। किसी को कोई डाउट यहां तक? ओके यूजिंग VMN in equation 1. Equation 1 क्या थी बच्चों हमारी? TA minus MG MVA square by R. TA minus MG is equals to M VA square by R. So this implies TA min minus MG is equals to M VA min ka square by R. So TA min MG plus M by R VA min ka square agar main dalunga to ye aa jayega √5gr ka whole square implying TA min aa jayega bachche mohya मेरा टी में आ जाएगा 5gr तो 6mg। कोई डाउट? सेम चीज लिख सकते हैं यूजिंग VB min in equation 2, TB आया था हमारा MVB square by R, so TB min आ जाएगा मेरा MVB min का square by R, so TB min आ जाएगा मेरा M by R into √3gr. TB min comes out to be √3gr. यहां तक कोई डाउट? हाँ बच्चों वन बाय वन। यश बोलो। ये पूछना कि वोलर मोश जो है वो बुडन डायरेक्शन दोनों चेंज करता है ना वेलोसिटी का? समझ नहीं आया, वापस बोलो, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही थी। हेलो, जब पार्टिकल पे जी एक्ट करता है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज करता है ना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके सर यही था। ध्रुव बोलो। सर वो √3gr कैसे आया वो?
3 mg आना चाहिए ना लास्ट में, टीबी मेन बेवकूफ जैसे कुछ भी लिख दिया तुमको यार, 3 mg आएगा सही का। सॉरी मैंने बेवकूफ जैसे लिख दिया। हाँ बोलो। हाँ सर यही था। हाँ मैं किसी और माइंडसेट में कुछ और लिख दिया। यहाँ तक ठीक है बच्चों, कोई डाउट? आदित्य बोलो। आदित्य हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, इज देयर एनी वे अदर देन गोइंग बाय एनर्जी कंजर्वेशन टू डिराइव दिस? नो। ओके है ना। हाँ सर ये सब मैंने आपको समझाया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दिस इज लाइक अ क्वेश्चन जो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है? अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ और आप इन चीज इन रिजल्ट्स को याद रखोगे। ओके सर ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज आती है। हाँ लोअर, यू कैन लोअर योर हैंड। समरी फॉर वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन, फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग इन एब्सेंस of in absence of resistance force इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं? A part at lowest point of circle T minimum is equals to 6 mg, V minimum is equals to root 5 gr। ये निकाला है मैंने अभी A point पर। At highest point of circle T minimum is equal to 0, V minimum is equal to root gr, C at horizontal diameter level T minimum 3 mg and V minimum root 3 gr। okay यहां तक कोई डाउट? क्लियर है क्या फंडा? ओके यहां तक क्लियर है बच्चों, तो आगे देखते हैं हम, है ना? जस्ट वन मिनट। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ये सारी चीजें बता दी। अब हम देख लेते हैं कि अगर इनसे कम होगी वेलोसिटी तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखता हूं, डिराइव आप लोग करोगे।
हम क्वेश्चंस के फॉर्म में करवा सकता हूं मैं इसको, ठीक है वैसे ही करते हैं। बोलो यश। सर अगर टेंशन नहीं होगा मतलब वर्टिकल सर्कल मोशन में तो फिर वापस से डिराइव करना पड़ेगा ना, मतलब टेंशन नहीं होगा मतलब। सो मतलब इसमें तो आपने टेंशन लिया और अगर कोई दूसरे वर्टिकल सर्कल में टेंशन, एक सर्कल और पढ़ाऊंगा, एक सर्कल और पढ़ाऊंगा, बाकी फिर आपको हर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, वो तो डिपेंड करता है यार। अब आप सारे क्वेश्चंस तो एफबीडी बना के और इक्वेशन कंजर्वेशन, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नया थोड़ी किया, एफबीडी बना के इक्वेशन। हां बस ओके सर। ओके ये समरी तो उसके लिए थी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं क्वेश्चन। एक चीज पार्टिकल इज कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग एंड इज मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल as shown. Find a part minimum speed at A for which particle leaves circle beyond point B find speed at A condition for which particle performs oscillation. Okay. देखो बच्चों हो क्या रहा है, ये सर्कल दे रखा है, यहां पे पार्टिकल है एंड ये ओ है जो कि फिक्स है, रेडियस आर दे रखा है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे इसको VA दिया है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग दे रखा है हमें, हमें फिगर आउट करना है ये पॉइंट A हो गया, ये हमारा B हो गया, हमें फिगर आउट करना है A पार्ट में कि पार्टिकल सर्कल छोड़ दे बियॉन्ड पॉइंट बी, बी बी पॉइंट के बाद यहां कहीं छोड़ दे मतलब, और ऑसिलेट करवा ले, ऑसिलेट करवाने के लिए कंडीशन क्या होगी, उस सिर्फ बी तक जाना चाहिए और बी से वापस रिटर्न कर जाना चाहिए। तो आप निकालो, किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछ लो मुझसे, अगर बोलो आकर्षित। सर मुझे ए पार्ट नहीं समझा सर, छोड़ दे का मतलब वो सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा तो उसका मोशन कैसा होगा, यहां से ऐसे गया और यहां कहीं छोड़ दिया तो ऐसे गिर जाएगा। ओके सर समझा समझा। अगर वो ऊपर तक चला गया
तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर तो वो घूम के ऐसे आ जाएगा, समझ में आ रही बात। और ऑसिलेशन के लिए क्या होगा, ऑसिलेशन के लिए जो बी से नीचे रिटर्न करेगा बेसिकली, वो यहाँ से यहां तक पहुंच गया, जस्ट पहुंचा, तो वो क्या करेगा फिर रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न, यस सर, समझा। हरी रजन बोलो। हाँ सर, मतलब वो ऑसिलेशन में बी तक जा रहा है और वापस आ जाता है ना, तो हाँ, वही बोला ना मैंने, बी के पॉइंट में वी जीरो रहेगा और के पता नहीं, ये सोचना, वो सोचो आप, वो सोचो, वो आपको सोचना है, मेरा काम नहीं है। क्वेश्चन दे रखा ना, जल्दी निकालो आंसर निकालो। बी से रिटर्न करने का रूट टू जी आर है, दैट इज करेक्ट। सेकंड पार्ट का रूट टू जी आर से छोटा होना चाहिए। लास्ट वन मिनट। कौन करेगा डिस्कस मेरे साथ बच्चों, रेज हैंड करो या रुको। दीप्ति आप माइक ऑन करो। यस सर। हाँ दीप्ति, आया आंसर कुछ? नो सो, एक्चुअली सोच रही थी बट आया नहीं। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखते। अब हमारा ये दे रखा है सर्कल। यस सर। ठीक है, ये यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे मास एम है,
पार्टिकल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, yes. यहां से यहां पे पहुंच रहा है ना, yes. मास एम, ये मेरी पोजीशन बी है और ये मेरी ए है. यहाँ पे वी एच ई, ये रेडियस आर दे रखा है, ये रेडियस आर है, करेक्ट? यस सर. तो सबसे पहली चीज, टू ऑसिलेट पार्टिकल शुड रिटर्न फ्रॉम पॉइंट बी, राइट? यस सर. है ना, तो पॉइंट बी से रिटर्न होना चाहिए. दिस इंप्लाइज वी बी इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो. यस. अगर वी बी जीरो है तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको अब आगे से बच्चों में COE यूज करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो मैं लिख सकता हूं हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एम जी आर. इसको ही मैंने रेफरेंस लाइन बना दिया. रेफरेंस लाइन, करेक्ट? यस सर. है ना, यहां पे मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू जीरो, और यहां लिख सकता हूं मैं काइनेटिक एट बी इक्वल टू जीरो, करेक्ट? यस सर. तो यहां से वी ए की वैल्यू कितनी आ गई, रूट टू जी आर, करेक्ट? हाँ यस सर. तो मुझे ये समझ में आ गया कि वी ए की वैल्यू अगर रूट टू जी आर आ गई तो हमारा रूट टू जी आर से तो क्या होना चाहिए, इक्वल या जीरो से बड़ा. हाँ, ये बात समझ में आई क्या? हाँ, यस. क्योंकि रूट टू जी आर तक तो बी पे पहुंचेगा, उसके बाद अगर बी पे पहुंच गया, जस्ट पहुंचा तो वो क्या कर जाएगा, फिर रिटर्न कर जाएगा एमजी की वजह से. हाँ, यस सर. समझा? तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अगर ये, दिस इंप्लाइज वी एट लोएस्ट पॉइंट, v at lowest point must be less than equal to root 2 gr and must be greater than 0 for oscillation. Samjha? Yes sir. To ek star point likh raha hu directly for leaving the circle. Beyond point B, B point के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, V lowest must be less than root 5 GR and must be greater than root 2 GR. ये समझा क्या दित्ति, ये कैसे आया? No sir. Because at V lowest equal to root 5 GR will complete the circle. अभी तो derive किया था. हाँ yes sir. Complete circle के लिए. Complete circle के लिए वो होना चाहिए, right? हाँ okay. तो oscillation के लिए root 2 GR से छोटा या equal होना चाहिए, और लीव करने के लिए रूट टू जी आर से बड़ा या रूट फाइव जी आर से छोटा होना चाहिए. समझ में आई बात? हाँ यस सर. ओके, लोअर योर हैंड. बोलो दुबे जी, क्या चाहिए आपको? सर वो इसमें टेंशन नहीं रहेगा, आपने वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज किया है, उसमें टेंशन की इक्वेशन लिखूं, क्या लिखूं बताओ? सर मतलब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्स जीरो होना चाहिए,
अच्छा हाँ सर, हाँ जीरो होगा बराबर। एंड सर ये रूट टू जी आर से अगर छोटा होगा तो बी पॉइंट तक तो पहुंचेगा ही नहीं ना। हाँ तो ऑसिलेट करेगा ना, उन्होंने कब कहा कि बी पॉइंट तक पहुंचाना है, उन्होंने कहा ऑसिलेट करवाना है। हाँ ओके सर, है ना। यस सर। किसी और बच्चे को कोई और डाउट? ओके बच्चों लीव मत करना, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्लीज डोंट लीव। सर स्टिल आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड द फैक्ट हाउ अंडर रूट 5 जी आर केम फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल। ये निकाला था ना हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, मिनिमम पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पे रूट 5 जी आर होना चाहिए। ओके आदित्य बोलो। सर व्हाट विल हैपन इफ इट इज इक्वल टू रूट टू जी आर? रूट टू जी आर पे क्या दिखा है? देखो लिखी है मैंने इक्वल टू लिखा है यहाँ पर। नहीं इक्वल टू होगा फिर भी ऑसिलेशन होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो ऑसिलेशन वाली कंडीशन में रूट टू जी आर के लिए तो बी पॉइंट पे पहुंच रहा है वो और फिर रिटर्न कर रहा है। राइट यस सर, थैंक यू, वेलकम। बोलो भाई अरिंजय। सर वो आपने आर पे अज्यूम किया है कि वो आर पे लिव करेगा या क्वेश्चन में दिया था सर? क्या क्वेश्चन में दे रखा है? मिनिमम स्पीड एट ए फॉर व्हिच पार्टिकल परफॉर्म्स ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन कराने के लिए तो क्या होना चाहिए? हां पर सर हॉरिजॉन्टल तक जाना चाहिए फिर उसके बाद रिटर्न कर जाना चाहिए। हां पर दिस विल हां यस सर। बोलो सर वो आर के कौन से और नीचे पॉइंट पे भी तो आ सकता है ना वापस? आर आर कौन सा पॉइंट है पहले तो मुझे बताओ। आर नहीं है यहां पे, आर इज द रेडियस। हां बी पॉइंट से तो बी B तक ऑसिलेट करेगा तो B से पहले भी ऑसिलेट करेगा ना, इसलिए तो ग्रेटर देन जीरो लिखा है ना। हाँ अच्छा हाँ ग्रेटर देन, हाँ सर राइट। हाँ ये क्वेश्चन मैंने किसके लिए करा है? आप लोगों को इज कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग एंड इज मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल एज शोन इन फिगर। अब मुझे चाहिए वर्टिकल सर्कल जहां पे ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग की जगह रॉड से कनेक्टेड हो। ओके उसके लिए आपको कंडीशन फिगर आउट करनी है जो हम डिस्कस करेंगे शाम को। आज के लेक्चर में शाम को सबसे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस होगा, तो ये लिख लो या देख लो बच्चों। सॉरी फाइंड मिनिमम स्पीड एट lowest point for completing the vertical circle means we're at the lowest point for completing the vertical circle when a particle is connected to a rod, rod पे connected है particle, मतलब कैसे? आपको दे रखा है this is rod और ये पार्टिकल है मास m का और उसका सर्कल ऐसे घूम के आ रहा है। ओके दो मिनट लेता हूं शुभम और आज आपके डाउट्स। ये रॉड है यहां पे वो है, ये फिक्स है। बी पार्ट पार्टिकल इज मूव्ड इनसाइड अ ट्यूब। इनसाइड अ ट्यूब का क्या मतलब है?
ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, इन दोनों कंडीशंस में आपको निकालना है कि मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए लोवेस्ट पॉइंट पे कि वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। ओके फोटो ले लो इसकी, ये नोट्स भेज देता हूँ, चलो मैं अभी भेज देता हूँ आपको, डोंट वरी। हाँ शुभम बोलो, जिनको भी डाउट्स है वो रेज हैंड करे, बाकी सब गलत है, अभी आंसर मत देना देव सिंह, गलत है आपका आंसर, जिनको भी डाउट है वो रेज हैंड करे, एल्स यू कैन लीव। शुभम बोलो। सर एक्चुअली मैं जब आपने पहला क्वेश्चन करा ना आज सर, तभी मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस बता सकते हो आप प्लीज यार? एक बार रिकॉर्डिंग देख लो बच्चे, है ना, मतलब आप पूरा कह दो ना। शुभम आप माइक पर ऑफ करो, एक बार मुझे डिस्कस करने दो, क्या कह रहे हो आप? तो कोई नहीं सर, चलेगा सर, वैसे भी 5 मिनट ही छूटा है सर, रिकॉर्डिंग देख लूंगा, एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, हां और जो नहीं आएगा ना फिर शाम को पूछ लेना। ओके शाम को मैं कंफर्म बता दूंगा। हां सर थैंक यू। राज पाटिल बोलो। सर रॉड मासलेस है क्या? रॉड मासलेस है क्या? मासलेस रॉड ले लो यार। ओके सर, है ना, टू अ मासलेस रॉड ले लो। ओके सर ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, एक मिनट देना। ओके आकर्षित बोलो। सर रॉड भी तो टेंशन ही लगाएगा ना मास? पता नहीं मुझे क्या लगाएगा, आई डोंट नो। ठीक है तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि रॉड और स्ट्रिंग का सेम ही तो होगा। मैं आपके कहने का मतलब मैं समझ गया ना, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपके मार्क्स नेगेटिव में आएंगे, समझ रहे हो? रॉड और स्ट्रिंग में फर्क होता है, स्ट्रिंग स्लैक कर सकता है, रॉड स्लैक नहीं कर सकता है, हिंट दे दिया है मैंने। ओके सर, और सर बी पार्ट में मुझे ये डाउट है कि वो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ कहाँ पे लगेगा एम्प पर? मुझे क्या पता, ये तो आपको सोचना है ना स्टड आदमी। ओके ध्रुव बोलो, मैं कर दूंगा सॉल्व, आपको थोड़ा तो दिमाग लगाया। हाँ बोलो ध्रुव। सर आज आप असाइनमेंट करने वाले हो कि हार्ड सम्स कराने वाले हो? हार्ड सम्स कराने वाला हूँ, टेस्ट के लिए प्रिपेयर कराने वाला हूँ। तो असाइनमेंट असाइनमेंट में से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं करूंगा, फिर आप नहीं करोगे तो फिर मैं आपको डांटूंगा, मेरा फेवरेट काम सुबह उठ के मैं यही तो डिसाइड करता हूं कि आज मुझे ध्रुव और यश दुबे और आकर्षित और एक दो बच्चों को और डांटना है। दिस विल मेक माय डे। वो इतने स्टड क्वेश्चंस मुझसे पूछेंगे, सर 2+2=4, ये बताओ 4 कैसे होता है सर? ऐसा है भाई, अंधेरी से होना आप, आई एम कीपिंग एन आई ऑन यू, जैसे ही ऑफलाइन होगा ना सबसे पहले आके दूंगा आपको मैं। रुको आप सर, पर आज तो असाइनमेंट 1 and 2 ही करके रखे ना? कल के रखना, बट मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं पहले ही कराऊं, लेक्चर मिस किया आपकी प्रॉब्लम है, टेस्ट में वो क्वेश्चंस आएंगे। हां मैं पहले ही बोल रहा हूं।